बॉलीवुड की कंगना रनौत बनी चुड़ैल रानी दिद्दा। आखिर ये रानी दिद्दा है कौन और क्यों मचा है इस नाम का शोर? कश्मीर की एकमात्र महिला शासक दिद्दा, जो बेहद खूबसूरत और गजब की बहादुर थी। उसे शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी और राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद उसने दृढ़ता से 50 सालों तक राजकाज संभाला। जन्म से लंगड़ी होने के बावजूद इस वीरांगना ने इतिहास के पन्नों में जो अब लगभग गायब सी है, लेकिन बॉलीवुड की चर्चित कलाकार कंगना रनौत अपनी अगली फिल्म में इस दिद्दा का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म को लेकर एक लेखक ने विवाद भी पैदा किया है, जिससे कहानी ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा चंपावत और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आमने सामने। वैसे भी अमूमन ये होता है कि जब कुछ नया होता है और तो इतिहास के पन्नों से वो किरदार उभर कर सामने आते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। यूं तो हमने सभी ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के ढेर सारे किस्से पढ़े सुने हैं, लेकिन कश्मीर की महारानी दिद्दा को उतना याद नहीं किया जाता जिसकी वो हकदार रही हैं। यूं तो देश की कुछ रियासतों में कई महिलाएं शासक रहीं। दक्कन के पठार की शासक रानी रुद्रमा देवी की बात करें, गोंडवाना की शासक रानी दुर्गावती की बात करें, बीजापुर की चांद बीबी उर्फ चांद सुल्ताना की बात करें, अहमदनगर की देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए कहें, या फिर बेलगाम की रियासत कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रजिया सुल्तान, ऐसे कई सारे नाम हैं। लेकिन दिद्दा की खूबियां इनसे कुछ मायनों में बिल्कुल नायाब थी, जिनका हम आज के स्टोरी में विस्तार से बताने वाले हैं। तो इस कंप्लीट स्टोरी को आप देखिए, लेकिन हाँ, इस कहानी की भावनाओं में आप खो जाएं, उससे पहले आप सबसे जरूरी ये कह दें कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि रानी दिद्दा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं दिद्दा के जन्म से। दिद्दा का जन्म अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। 10वीं शताब्दी में वहां हिंदू शाही वंश का शासन था। जन्म से एक पैर से लंगड़ी होने के कारण उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया था और उनके पिता लोहरा राजवंश के सिंहराज थे। वहीं माता काबुल के शाही भीमशाही की वंशज थी। माँ बाप द्वारा नकारने के चलते नौकर नौकरानियों ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन वो निराश होने के बजाय दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाने में जुटी रहीं और बचपन में ही शस्त्र संचालन कला में महारत हासिल कर ली। एक बार उनकी मुलाकात कश्मीर के उत्पल वंश के तत्कालीन राजा क्षेम गुप्त से हुई। एक पैर से अपंग होने के बावजूद खूबसूरत और हथियार चलाने में अद्भुत निपुणता देखकर क्षेम गुप्ता दिद्दा को अपना दिल दे बैठे और दोनों की शादी हो गई। इस विवाह से लोहरा राजवंश और उनके पति का उत्पल राजवंश एक सूत्र में बंध गए और इन तथ्यों का जिक्र 1200 ईस्वी में लिखे गए कल्हन के प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिनी में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने दिद्दा को कश्मीर के इतिहास में सबसे ताकतवर महिला शासक बताया है। रानी दिद्दा की कूटनीति और राजनीतिक मामलों के बारे में बहुत अच्छी समझ थी, इसलिए उनके पति क्षेम गुप्ता अक्सर उनकी सलाह लिया करते थे। इस तरह से राजा का एक नाम दिद्दा क्षेम ही पड़ गया। यही नहीं, क्षेम गुप्ता ने रियासत द्वारा जारी सिक्कों पर अपने नाम के पहले दिद्दा का नाम भी अंकित करवाया और उन पर लिखा गया दिद्दा क्षेम गुप्त देव। उस दौर में ये सोचना बेहद कठिन था कि कोई व्यक्ति खुद के नाम से पहले अपनी पत्नी का नाम जोड़ ले। बदकिस्मती से 958 ईस्वी में शिकार के दौरान क्षेम गुप्ता की मौत हो गई और फिर शुरू हुआ दिद्दा की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। लेकिन वो दिन ब दिन एक मजबूत शासक के तौर पर उभरी और क्षेम गुप्ता के निधन पर कुछ षड्यंत्रकारी दरबारियों ने दिद्दा पर पति के साथ सती होने का भारी दबाव भी बनाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और क्षेम गुप्ता की पहली पत्नी को सती करवा दिया। इसके बाद दिद्दा ने अपने नाबालिग बेटे अभिमन्यु का राज तिलक करवाया और वो उसकी राज्य संरक्षक बनी। इस दौरान रानी दिद्दा को राज परिवार राज दरबारियों की अनेक साजिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाते हुए उसने राज्य पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली और वास्तविक शासक बनी रही। कल्हण ने राज तरंगनी में रानी दिद्दा की तुलना हनुमान जी से करते हुए लिखा है, जिस दिद्दा के बारे में दरबारी सोच रहे थे कि वो गाय की तरह सीधे चल भी नहीं सकती, उसने हनुमान की तरह समुद्र पार करके दिखा दिया। अपनी पति की मौत के बाद दिद्दा के सामने
सबसे पहले बड़ी चुनौती बागी किस्म के मंत्रियों और सरदारों से निपटने की रही, और ये उसके लिए अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति थी क्योंकि वो नियंत्रण खोने के कगार पर पहुंच गई थी। इन हालातों में उसने अन्य कुछ लोगों को की मदद ली और फिर विभिन्न हथकंडों से बागी मंत्रियों, सरदारों और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ को मौत के घाट भी उतार दिया। इसी क्रूरता को देखते हुए कई लोगों ने दिद्दा को दबी जुबान में चुड़ैल रानी, लंगड़ी रानी, यहां तक कि डायन भी कह दिया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती 972 ईस्वी में तब पैदा हुई जब उनके बेटे अभिमन्यु की भी अचानक मौत हो गई। उसका दूसरा बेटा नंदीगुप्त उत्तराधिकारी बना, लेकिन उसके भी नाबालिग होने के कारण सामंती डामरा जमींदारों ने बगावती तेवर अपनाए। ये दिद्दा द्वारा स्थापित लोहरा राजवंश के लिए भारी समस्याओं का सबब बना और ये देख उसने पहले 973 ईस्वी में तीसरे नाबालिग बेटे नंदीगुप्त और फिर 975 ईस्वी में चौथे नाबालिग बेटे त्रिभुवन गुप्त को राजगद्दी से हटाकर सबसे युवा पोते भीम गुप्त को गद्दी पर बिठाया, वो भी नाबालिग था। इस प्रकार दिद्दा ने लगभग 50 वर्षों तक यानी 958 से लेकर 1003 ईस्वी तक नाबालिग राजाओं के संरक्षक के रूप में के नाम पर वास्तविक शासक के रूप में कश्मीर पर शासन किया। राजकाज चलाने में बुद्धि, चातुर्य, विभिन्न हथकंडों और सत्ता पर बेरोक टोक पूर्ण नियंत्रण की दिद्दा की दिली ख्वाहिश का कुल दिलचस्प किस्सों से भी पता चलता है। उसने अपने पति क्षेम गुप्ता के निधन के बाद उनके सलाहकार रहे फलुंगा को दूध से मक्खी की तरह बाहर रियासत से निर्वासित कर दिया, लेकिन जब जरूरत महसूस हुई तो इसी सलाहकार को मदद पाने के लिए वापस बुलवा भी लिया और उनके कौशल का उपयोग किया। इस दौरान दिद्दा का एक चरवाहे तुंगा से प्यार हो गया जिससे उसको पर्याप्त सुरक्षा बोध प्राप्त होता था। उसने तुंगा का 980 ईस्वी में अपने पोते भीमगुप्त के उत्पीड़न में इस्तेमाल किया जिससे उसकी मौत हो गई। इस प्रकार जहां एक और प्रेमी तुंगा को प्रधानमंत्री का बनाने का रास्ता खुल गया, वहीं दूसरी ओर दिद्दा का सत्ता पर बेखौफ नियंत्रण कायम हो गया। दिद्दा की बहादुरी विशेष रूप से गौर करने लायक है। उसने कई युद्ध लड़े, सब में जीत हासिल की। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि दिद्दा ने भारत पर 17 बार हमला करने वाले और सोमनाथ के मंदिर का सोना लूटने वाले हमलावर महमूद गजनवी को जंग के मैदान में एक नहीं दो बार पूरी तरह हराया। उसकी अद्भुत बहादुरी, बेहतरीन रणनीति और कुशल सैन्य संचालन का बड़ा सबूत यह है कि दिद्दा ने अपने सिर्फ 500 सैनिकों के साथ गजनवी की 35,000 सैनिकों की फौज को नाको चने चबा दिया, महज 45 मिनट में उसे हरा दिया। यही कारण है कि गजनवी ने दिद्दा के शासनकाल में कश्मीर के रास्ते भारत में घुसकर हमला करने की कभी भी जरूरत नहीं की। उसने दिद्दा के वज्रपात से बचते हुए गुजरात के रास्ते घुसकर भारत के अन्य रियासतों पर हमले किए। दिद्दा को चुड़ैल रानी या लंगड़ी रानी या डायन के नाम आसपास के उन राजाओं ने दिए जो लंगड़ी होने के बावजूद उससे युद्ध के मैदान में शिकस्त खा चुके थे या उसकी दिलेरी, कुशल शस्त्र संचालन और होशियारी से ईर्ष्या करते थे। कुछ राजाओं ने उसे काला जादू करने वाली शासक भी बतलाया। दरअसल इन खौफजदा पुरुष राजाओं को यह यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला, वो भी लंगड़ी, कैसे गजनवी जैसे खूंखार हमलावर को युद्ध के मैदान में छठी का दूध याद दिला सकती है। ये इन राजाओं के संकीर्ण पितृसत्तात्मक नजरिए का ही परिचायक था, लेकिन दिद्दा ने अपनी प्रखर बुद्धि, रणनीति, कुशलता, शस्त्र संचालन में निपुणता, बहादुरी और चालाकी का अद्भुत परिचय देकर उन सभी को चुप करा दिया। दिद्दा की कहानी बताती है कि दृढ़ संकल्प, गहरी लगन और कुशल शस्त्र संचालन के साथ वीरता के संगम ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। दिद्दा के जीवन का एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि उसने अपने शासनकाल में लड़कियों की शिक्षा और पुरुषों द्वारा महिलाओं के आदर पर विशेष जोर दिया। इसी का नतीजा है कि उनके शासनकाल में भारत के अन्य रियासतों के मुकाबले महिलाओं की इज्जत ज्यादा दी जाती थी। दूसरा, उसने अनेक मंदिरों और भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। दिद्दा ने न केवल पितृसत्तात्मक समाज के नियम तोड़े बल्कि अपने खुद के नियम भी बनाए। इसी से बौखलाए पुरुषवादी समाज ने उन्हें कश्मीर की चुड़ैल रानी या लंगड़ी रानी और यह कहें कि डायन तक कह दिया था। तीसरा,
दिद्दा अपने सख्त प्रशासन के लिए भी जानी जाती हैं। वो जनता को साफ सुथरा प्रशासन देने के लिए लगातार कोशिशें करती रही। उसने न सिर्फ अपने राज्य के भ्रष्ट मंत्रियों बल्कि अपने एक प्रधानमंत्री तक को बर्खास्त कर दिया था। उसने दर्शा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई शख्स जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। दिद्दा की मौत 1003 ईस्वी में हुई। दुर्भाग्य ये है कि दिद्दा जैसे वीरांगना महिला शिक्षा पर जोर देने वाली और साफ सुथरा प्रशासन देने के लिए सदैव प्रयासरत कश्मीर की इस एकमात्र महिला को, इस महिला शासक को इतिहास में समुचित श्रेय नहीं दिया जाता है। लेकिन अब हम दिद्दा को सिनेमा के बड़े पर्दे पर देख पाएंगे, क्योंकि उनको लेकर एक फिल्म बनी है जिसमें बॉलीवुड की चर्चित साहसी अदाकारा कंगना रनौत ने दिद्दा का किरदार निभाया है। इससे हमें इस वीरांगना की शौर्य गाथा का विस्तार से पता चल जाएगा, आप सभी से देख सकते हैं। इस बीच जिक्र करें उस लेखक का जो कश्मीर के लेखक हैं, आशीष कौल। उन्होंने दावा किया है कि वो स्वयं दिद्दा के वंशज हैं। उन्होंने ये कहकर एक विवाद पैदा कर दिया है कि कंगना अभिनीत ये फिल्म वर्ष 2018 में दिद्दा पर प्रकाशित उनकी पुस्तक पर आधारित है। उन्होंने ट्विटर पर फिल्म का प्रस्ताव कंगना रनौत को टेक किया था। आशीष कौल की ये पीड़ा है कि इस फिल्म में उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, जबकि दिद्दा पर वो एकमात्र प्रामाणिक लेखक हैं और 6 साल की कड़ी मेहनत से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। बहरहाल दिद्दा की कहानी बेहद रोचक है और फिल्मी विवादों ने दर्शकों की उत्सुकता और धड़कनें दोनों बढ़ा दी हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। और इस कार्यक्रम के पटकथा लेखक, इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं दिल्ली के पत्रकार और लेखक श्रीपाल जैन। तो आप सबसे फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर रोचक चर्चा के साथ। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में भी।